दोस्तों सिलेक्शन कर ली, टैब्स खोल लिए, लेकिन अब ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा प्रोजेक्ट लेट गो करना चाहिए। एक बात तो हमने ये फिगर आउट कर ली कि अगर अकाउंट वेरीफाइड है एम्प्लॉयर का, अगर उसके प्रोफाइल पे पैसे नज़र आ रहे हैं, अगर उसका प्रोजेक्ट ब्रीफ जो है, जो कि उसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है, दैट लुक्स ओरिजिनल बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर, और वो रिक्वायरमेंट भी बात कर रहा है कोई ऐसी जो कि ऑथेंटिक है। फेक प्रोजेक्ट और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना वक्त के साथ आपको आ जाएगा, और ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप दो दिन तवज्जो से, हार्ड वर्क से प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू करेंगे, तो यू विल बी एबल टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ फेक एंड ओरिजिनल प्रोजेक्ट। अब बिड कैसे की जाए कि राइट प्रोजेक्ट कौन सा है जिस पे बिड की जाए। एक तो एग्जांपल आप देखे कि अगर ऑथेंटिक टिक नज़र आ रहा है और वो प्रोजेक्ट जो पहले पेड हुआ हुआ है, एम्प्लॉयर किसी को पे करके गया, वो तो चलो ठीक है। दूसरा तरीका कार आपसे रिलेटेड है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि आपसे रिलेटेड क्या बात हो रही है, ताकि आप इजीली फिगर आउट कर लें, डिटरमिन कर लें कि हर प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं बना हुआ। दोस्तों स्क्रीन पे आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आप इससे अब तक बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, क्योंकि इसमें मैंने तीन बातें आपके लिए काबिल गौर रखी। एक, एम्प्लॉयर की ऑथेंटिसिटी। अगर आप माउस ओवर जाएं तो इट सेज वेरीफाइड पेमेंट मेथड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीलांस मार्केटप्लेस, चाहे वो guru.com हो, चाहे वो upwork.com हो, चाहे वो फाइवर हो या कोई भी हो, हर फ्रीलांस मार्केटप्लेस ऑथेंटिसिटी अप्रूव करवाती है एम्प्लॉयर से, एंड दैट इज़ हाउ यू डिटरमिन बिटवीन अ फेक प्रोजेक्ट एंड यू नो एन ओरिजिनल एम्प्लॉयर। सो आपको पता लग जाता है कि अगर इसने पैसे दिए हुए, मिसाल के तौर पर पैसा नहीं देता एम्प्लॉयर, दोस्तों एम्प्लॉयर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देता है या अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देता है, फ्रीलांस मार्केटप्लेस उस क्रेडिट कार्ड नंबर को या उस बिलिंग को वेरीफाई करती है एक आधा डॉलर चार्ज करके, कि हाँ इसके कार्ड से एक आधा डॉलर चार्ज हो गया, या इसके बैंक से एक आधा डॉलर चार्ज हो गया, या इसके पेपैल अकाउंट से एक आधा डॉलर चार्ज हो गया, ही इज़ ऑथेंटिक, ही इज़ ओरिजिनल। और फिर उस एम्प्लॉयर के आगे ये टिक नज़र आ जाता है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, वेरीफाइड पेमेंट मैथड। दूसरी चीज़ ऑफकोर्स ये पैसे से रिलेटेड बात, कि अगर इन्होंने पैसे दिए हुए तो इसका मतलब कि भाई इन्होंने क्रेडिट कार्ड या किसी भी पेमेंट मेथड से पैसे दिए हैं। एक और बात यहाँ पे काबिले गौर है, इट सेज पेड जॉब वन। नाउ द पेड जॉब वन मींस कि इन मलिक साहब ने, बाय द वे मैं इन मलिक साहब को जानता नहीं हूँ, ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है आपको समझने के लिए कि जनाब ऑथेंटिक और फेक प्रोजेक्ट का फ़र्क क्या है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट पर बिड करूँगा कि नहीं करूँगा। देखिए मेरी एक कंसर्न रिमूव हो गई कि मैं जिस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ वो ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। बट ये भी तो फैसला करना मेरे पे ही डिपेंड करता है कि आया मेरा स्किल सेट, मेरी एक्सपर्टीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट से मैच करती भी है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही खाम खा जैसे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एवं ही में बिड कर दूँ और बाद में मुझे जब काम मिले और मैं काम ना कर सकूँ, पैसा लूज करूंगा, टाइम लूज करूंगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम ख़राब करूंगा। जब भी प्रोजेक्ट पे बिड करो, खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, एज़ योर टीचर, पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट। अगर पाकिस्तान का नाम आपकी वजह से ख़राब हुआ, यकीन जानो आपके तमाम अर्नड पैसे कोई ख़ास फ़ायदे में नहीं है, क्योंकि आप तो सारी उम्र कमाते ही रहेंगे, इंशाल्लाह कमाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयर एक दफ़ा पाकिस्तान के नाम से पुट ऑफ हो गया, दोबारा नहीं आने वाला। सो इस प्रोजेक्ट को पढ़ने के इंस्ट्रक्शन में ये बात काबिले गौर है कि आया इसमें वो बातें हैं, वो रिक्वायरमेंट जो डाली गई है एम्प्लॉयर की जानिब से, क्या वो मैं मैच कर सकता हूँ एज अ डिज़ाइनर कि नहीं कर सकता। अगर तो मैं मैच कर सकता हूँ, देन दिस इज़ द राइट प्रोजेक्ट फॉर मी टू बिड ऑन। बट अगर मैं इसको मैच ही नहीं कर सकता दोस्तों, तो भले वो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट हो, भले पेड प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयर ने पहले करवाए हों फ्रीलांस मार्केटप्लेस में, अगर मेरा स्किल सेट मैच नहीं करता, ये मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देना चाहिए कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर बिड करूं जस्ट फॉर मनी, इसलिए कि मेरे पास स्किल सेट नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बिड ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर लें, टैब्स का तरीका जो मैंने बताया था,
क्योंकि वो एक इनिशियल तरीका है. यू जस्ट गो थ्रू द प्रोजेक्ट ब्रीफ एंड यू थिंक या आई एम बी एबल टू डू दैट, आई विल बी एबल टू बिड ऑन दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं हाँ वो मेरे से रिलेटेड हैं. लेकिन उस वक्त तक आप पूरा प्रोजेक्ट पढ़ते नहीं हो. प्रोजेक्ट जब आप बिड करने जाते हो तब पढ़ते हो. तब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे बिड करना दोस्तों जिस पे आपकी एक्सपर्टीज है, क्योंकि वही प्रोजेक्ट है जिसको आप टाइमली ख़त्म करोगे. ये वही प्रोजेक्ट है जिसको आप खुश असलूबी से इफेक्टिवली ख़त्म करोगे और आपका दिल भी करेगा काम करने का. वेयर एज इफ़ यू डाइव इन अ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन डू दी हैफ वर्क, यू कॉन्ट डू दी हैफ वर्क, आधा काम करने के बाद आपके हाथ पैर फूल जाने और एम्प्लॉयर को भी पता लग जाएगा कि आपके बस का काम नहीं है और वो प्रोजेक्ट मैस होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो विच प्रोजेक्ट to bid on.